हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सोच रहे हैं ये बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग सारे स्मार्ट किड्स हो, इंटेलिजेंट किड्स हो, और आज जो ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है, ठीक है, जो है कि जो कि है मोर ऑन पाइथन। लेकिन मोर ऑन पाइथन क्यों? हमें जो पहले वाला पाइथन है वो क्यों नहीं पता चल रहा है? तो क्योंकि आपकी बुक्स चेंज हो गई है, नई बुक्स है, तो आपने सिक्स क्लास में पाइथन नहीं पढ़ा था और आपने सीधा सेवन्थ क्लास का भी हो तो सेवन्थ क्लास का पाइथन चैप्टर पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको ये भी समझना है तो इससे पहले आपको जो लिंक में दे रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है, वो है क्लास सिक्स का पाइथन। तो वो पहले उस छोटे चैप्टर को समझ लो और उसके बाद में फिर आप जब ये चैप्टर भी देख लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो वो है आपका बेसिक और उसके बाद में ये है लेवल टू, और जब आप एट्थ क्लास में जाओगे तो वो आएगा आपका लेवल थ्री, राइट? तो हम समझ चुके हैं क्लास सिक्स का। जब आप इसको देख लोगे और इसको देखने के बाद जब वापस आप इस चैप्टर पे आओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप इस चैप्टर को भी समझ सकते हो। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर और हम इसका डेमो वर्जन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं प्रोग्राम्स लिखता हूं, कैसे उनके आउटपुट्स आते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले कुछ वर्ड्स है जो इस चैप्टर के अंदर है उनको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम डेमो वर्जन देखेंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से आप पाइथन सीखना, तभी आपको पाइथन एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं हमारा मोर ऑन पाइथन। इसमें आप तीन चीजें आप सीखोगे आज ये क्लास के अंदर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, उसके बाद में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स याद रखना, ये पांच नाम याद कर लो, एरिथमेटिक, स्ट्रिंग, असाइनमेंट, रिलेशनल और लॉजिकल, ठीक है? ये क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। पाइथन के अंदर इन सबका नाम कई बार आएगा और आपको सुनने में मिलेगा, ठीक है? अब देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत इजी है। अरिथमेटिक का मतलब प्लस माइनस डिवीजन। तो जब कभी भी आप प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये यूज करोगे तो ये जब प्रोग्राम में यूज करोगे तो ये सब आपके कहलाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बहुत सिंपल हो गया, याद हो गया, बहुत इजी है। अब उसके बाद में स्ट्रिंग, किसी भी टेक्स्ट को जब आप लिखते हो तो वो हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है? तो जैसे अगर मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना पड़ता है, तो अगर मैंने कोई लिखा ऐसे हेलो और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा स्ट्रिंग, यानी किसी भी टेक्स्ट पार्ट को स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है? तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट यानी किसी भी चीज को असाइन करना कि जैसे तुम ये काम करोगे, बी वाला ये काम करेगा, सी वाला ये काम करेगा, तो उसको असाइन करना कहते हैं। तो यानी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो, जैसे मान लो लिखो मैंने लिखा ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, तो ये इक्वल टू जो साइन है ना, ये इक्वल टू साइन, ये क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत सिंपल है ना? तो देखो अब तुम्हें तीन चीजें याद भी हो गई है। अब ऐसी है रिलेशनल। अगर मैं बताऊं कि क्या ए बड़ा है बी से, क्या बी बड़ा है सी से, तो ऐसा अगर हमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू इस तरह से कुछ बताना हो तो हम लॉजिक, जैसे क्या ए बड़ा है बी से, या फिर ए छोटा है बी से, तो ये सब, या फिर ए इक्वल टू है बी, तो ये सब क्या क्या कहलाएंगे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। और ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, एंड यूज करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है? इसको भी हम आगे समझेंगे। तो इसके अंदर लॉजिकल में भी ऐसे ही होता है कि अगर जैसे कोई बच्चा 60% से ऊपर है तो उसका लिखा हुआ है पास फर्स्ट डिवीजन, और नहीं तो क्या लिखा हुआ है, फेल या फिर पास, इस तरह से। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब है सेकंड वाला है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। तो जब किसी भी चीज को हम स्टेप वाइज लिखते हैं तो उसको कहलाता है वो एल्गोरिथम, यानी द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और द प्रोसेस और स्टेप वाइज राइटिंग ऑफ एनी प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। और जब हम उस एल्गोरिथम को प्रोग्राम को फोटोग्राफ के थ्रू पिक्चर के फॉर्म में शो करते हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्लो चार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है, तो इसी
डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का एक अलग से वीडियो बनाया, उस वीडियो को क्लिक करो, वो छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा दोनों समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, तो जैसे कि आपने ये पांच आपको याद हो गए हैं। अब एल्गोरिथम का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राइटिंग ऑफ एनी स्टेप वाइज प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिथम, एंड व्हेन दिस प्रोसेस इज शोन इन पिक्टोरियल और पिक्चर फॉर्म इट्स कॉल्ड फ्लो चार्ट, राइट। अब टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबसे पहले होता है सिक्वेंशियल, फिर कंडीशनल, फिर आइटरेटिव। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना हो कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हमने उसमें लिखा लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, तो हमने उसमें पहले लिखेंगे एल एंटर द लेंथ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बी एंटर द ब्रेथ, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे ए आर इक्वल टू या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, फिर हम लिख दिया प्रिंट एल इंटू प्रिंट ए आर यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और फिर आंसर आएगा। तो हमें दो ही चीजें पूछी थी, दो चीजें हमने डाल दी, एरिया निकल गया, काम खत्म। तो ये हो गया आपका सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर कोई बच्चा उस प्रोग्राम के अंदर हमने डाला है इफ ए स्टूडेंट गॉट मोर देन 60% तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट डिविजन, और अगर वो लेस देन 36% या अगर 60% से कम है तो लिखा हुआ है पास और सेकेंड डिविजन। इस तरह से अगर हमने एक और कंडीशन दे दी, ठीक है, कि अगर वो बच्चा 36% से ऊपर है तो लिखा हुआ है पास, एल्स लिखा हुआ है फेल, तो कंडीशनल स्टेटमेंट काम में आएगा। लास्ट है आपका आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम को लगातार वो आउटपुट होता जाएगा, उसके बाद में लास्ट में आएगा कि जैसे मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो मैं आपको दिखाऊंगा डेमो के अंदर, कि अगर मैं 1 से 7 में कोई भी नंबर लिखूं, तो अगर मैं लिखा 3 तो ऑटोमेटिक आंसर लिखा हुआ आएगा वेडनेसडे, अगर मैं लिखा 7 तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा संडे। अब अगर मैंने 7 दिन के होते हैं, 7 दिन के अलावा अगर मैंने 8 लिख दिया तो क्या लिखा हुआ जाएगा, तो यानी कि प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। तो जैसे ही कोई बच्चा 8 लिख देगा या 9 लिख देगा तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ जाएगा इनवैलिड ऑप्शन। इस तरह से तो हमने इतने सारे ऑप्शंस दे, तो एक साथ अगर बहुत सारे ऑप्शंस आप डाल देते हो और आउटपुट दिखाते हो और एक सीक्वेंस में चलता है, वो चलता जाएगा, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका आइटरेटिव स्टेटमेंट। तो ये तो था आपका ये चैप्टर, इसके अंदर जो जो राइटिंग पार्ट था वो मैंने बता दिया। अब हम इन्हीं के डेमो को समझेंगे और हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वॉच द डेमो वर्जन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, स्टार्ट में गए, उसके बाद में हमने पाइथन लिया, सेलेक्ट किया, और पाइथन लेने के बाद में हम आइडल पाइथन 3.8.64 जो आपके लेटेस्ट वर्जन है उसको आप क्लिक करोगे और उसको ओपन करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें आउटपुट दिखाई देगा, लेकिन हमें क्या करना है, फाइल में जाकर न्यू फाइल लेना है। अब इससे आप देखो, इसमें जो आप प्रोग्राम लिखोगे वो आप सेव भी कर सकते हो और फिर बाद में किसी को दिखा भी सकते हो। तो हम इसके अंदर हर तरह के एक एक ऑपरेटर्स के प्रोग्राम को समझेंगे और देखेंगे कैसे कर रहा हूं मैं। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप भी पाइथन के अंदर करके देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे पहला प्रोग्राम है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि मैथमेटिकल साइंस को यूज करना। तो उसमें आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो उसके लिए हम इसकी जगह हम डायरेक्ट इसमें भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला प्रोग्राम अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू 100, ठीक है, तो एंटर करते ही यहां पर ये वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने लिखा यहां पर प्रिंट ब्रैकेट a, यानी जो a में लिखा है उसको प्रिंट करो, तो जैसे ही हमने एंटर किया तो क्या लिखा हुआ आया, 100। इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रोग्राम वन। ऐसे आप कुछ भी, पहले आपको बी सी कुछ भी, जैसे मान लीजिए बी और इक्वल टू मैंने दिया यहां पर 10। अब मैंने, अब ये आंसर बी 10 लिखा हुआ नहीं आएगा जब तक कि आप प्रिंट कमांड नहीं दोगे। तो हमने ब्रैकेट में फिर से क्या बोला, बी को प्रिंट करके दिखाओ, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 10। इस तरह से
तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। अब ऐसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक और प्रोग्राम होता है इनपुट कमांड का। इनपुट में मैं अपनी मर्जी से, जो आप जिसको दिखाओगे प्रोग्राम, वो अपनी मर्जी से नंबर्स डाल सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, हम फाइल में गए, न्यू किया और ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे, तो जैसे मैंने बनाया ए की वैल्यू अगर लिखते हैं तो आप नहीं लिखेंगे, जो यूजर है वो अपने आप लिखेगा अपनी मर्जी से। तो जैसे यहाँ पर इनपुट किया, इंट लिखा, इंट का मतलब होता है इंटीजर। उसके बाद में आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर लिखा इनपुट। इनपुट लिखने के बाद में फिर आपने एक ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद में आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना, ठीक है, उसके बाद में लिखना एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे लिख दो, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, ठीक है, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर दो, फिर इस तरह से, क्योंकि यहां पर एक ब्रैकेट है, यहां पर एक ब्रैकेट है और यहां पर एक ब्रैकेट है, तो दो शुरू हो रहे हैं तो दो खत्म भी करने पड़ेंगे। फिर एंटर किया हमने, अब हमने लिखा बी इक्वल टू, ठीक है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, तो हमने यहां से कॉपी किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और एंटर फर्स्ट नंबर की जगह हम लिख देंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद में अब आप अगर आप प्रिंट में चाहते हो, जैसे हमने लिख दिया प्रिंट, ठीक है, अब प्रिंट और हमने फिर यहां पर लिखेंगे आंसर, तो हम यहां पर चाहते हैं कि इन दोनों को नंबरों को वो ऐड कर दे, ठीक है, तो हमने यहां पर लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स आर, टू नंबर्स इज, और फिर यहां पर इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हम आंसर डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो फाइल में जाओ, फिर सेव करो, ठीक है, यहां पर सेव करेंगे तो हम यहां पर लिख देंगे जैसे प्रोग्राम वन, और हमने यहां पर सेव कर दिया। रन में जाओ, फिर से रन करो, अब ये फिर से फर्स्ट नंबर बोलेगा, तो हमने डाला 50, फिर ये उसने बोला सेकंड नंबर डालो, तो हमने डाला 40, तो आंसर देखो क्या आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 90, इस तरह से। अब एक होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, तो जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया हेलो एवरी वन, ठीक है, और इसको बंद कर दिया, तो जैसे ही हम इसको एंटर, यहां पर हेलो एवरीवन लिख दिया, अब हम एक लिखते हैं बी और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है, और हमने इसको बंद कर दिया। अब उसके बाद में हम दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट ए प्लस बी, इस तरह से। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखना क्या आंसर आया, हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई काम नहीं आएगा, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ प्लस काम करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर समझने के लिए, जैसे हमने यहां पर लिखा कि a इक्वल टू 100, फिर हमने लिखा b इक्वल टू 200, फिर हमने लिखा यहां पर c इक्वल टू 100। अब हम यहां पर लिखते हैं a क्या छोटा है बी से, तो जैसे ही हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। अब जैसे ही एंटर करोगे तो क्या लिखा हुआ आया, ट्रू, इसका मतलब हाँ ए छोटा है। देखो ए के तो 100 ही है और बी के कितने हैं 200, तो यानी ये छोटा हो गया। अब अगर मैं यहां पर साइन चेंज कर दूं, क्या ए बड़ा है बी से, तो जैसे ही एंटर करेंगे क्या लिखा हुआ आएगा, फॉल्स। तो इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब उसके बाद में ऐसे ही कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है, उनको हम आने वाले आगे वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम सीखेंगे। अगर हमें एरिया निकालना है किसी का भी, तो हम फिर से यहां पर जाएंगे, फाइल में गए, न्यू फाइल किया, अब हम यहां पर एक नया प्रोग्राम लिखेंगे। तो आपको मालूम ही है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर लिखा L, ठीक है, इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट, उसके बाद फिर से हमने यहां पर लिखा
इनपुट, और उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा फिर से ब्रैकेट डाला, ठीक है। अभी हम यहाँ लिखेंगे एंटर, एंटर द लेंथ, ठीक है, लेंथ, फिर हमने इसको बंद कर दिया। उसके बाद में हमने फिर से यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगा दिया, दो बार ब्रैकेट लगा दिया, फिर हमने एंटर किया। अब हमें ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ इक्वल टू विड्थ यानी, है ना। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पर हमने यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया और एंटर द यहाँ पर हमने लिख लिया ब्रेथ इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से प्रिंट कमांड यूज करेंगे। तो उसके पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो ए आर इक्वल टू हमने क्या किया एल इंटू बी। यहां पर मल्टीप्लाई हमेशा स्टार से यूज होता है कंप्यूटर के अंदर। अब ये करने के बाद हमने क्या किया, प्रिंट लिखा और उसके बाद में ब्रैकेट, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा डाला, फिर लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, उसके बाद में यहां पर इस तरह से आपने कॉलन लगा दिए, फिर आपने ये कर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, फिर आपने यहां पर लिख दो ए आर। जब तक ए आर नहीं लिखोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, तो कॉमा लगा के ए आर आप कर दो, उसके बाद में यहां पर क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसको हमें सेव करना पड़ेगा, तो फाइल में गए, सेव किया, ये हमारा हो गया प्रोग्राम टू। तो जैसे ही हम इसको किया उसके बाद में हम रन करेंगे, तो यहां पर वो बोल रहा है एंटर द लेंथ, तो हमने यहां पर लेंथ डाल दी 10, उसके बाद एंटर करेंगे तो बोलेगा ब्रेथ डालो, हमने डाल दिया 220। जैसे ही हम इसको करेंगे तो देखो आंसर आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200, क्योंकि एल इंटू बी होता है। तो इस तरह से देखो, जैसे ही ये एल इंटू बी किया तो 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200 हो गया। इस तरह से आप यहां पर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हो, ठीक है। अब हम समझेंगे ऐसे ही इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, देखो जैसे कि हमारा मान लो कि आज बरसात होगी या नहीं होगी, तो ऐसी कोई कंडीशन बतानी हो तो इस इफ स्टेटमेंट काम में आता है। यानी अगर बरसात नहीं होगी तो हम खेलने जाएंगे, और बरसात होगी तो हम घर के अंदर रहेंगे। तो ऐसे अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइल में गए, न्यू लिया, अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं इफ स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा ए इक्वल टू आई एन टी, उसके बाद में हमने ब्रैकेट लिखा, फिर यहां लिखा इनपुट। इनपुट का मतलब हम कोई भी यूजर अपने मर्जी से नंबर डाल सकता है। अब उसके बाद में एंटर, एंटर अ नंबर, कोई भी एक नंबर डालो, ठीक है। ऐसा हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद में हमने यहां पर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, फिर हमने एंटर किया। अब यहां पर हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ ब्रैकेट ए इज स्मॉलर देन 200, अगर ए छोटा है 200 से, तब तो यहां पर इस तरह से आप उसको सेमी कॉलन, ये कॉलन लगा दो, ठीक है, कॉलन लगा के और एंटर करो। और एंटर क्या करोगे, क्या प्रिंट करना, अगर वो 200 से छोटा हो, 200 से छोटा हो, तो प्रिंट करो ब्रैकेट, ठीक है, द नंबर इज लेस देन 200, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आपके लिखा हुआ आपको दिखाई देगा आउटपुट के अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट। अब एक एल्स भी साथ में यूज कर सकते हैं कि नहीं तो क्या करो, अगर मान लो वो 200 से बड़ा हो तो फिर क्या आंसर लिखा हुआ आना चाहिए। तो फिर हम एल्स स्टेटमेंट के अंदर साथ में लिख देंगे, एंटर करके एल्स क्या टाइप करो। अब एल्स लिखने के बाद में एल्स में आपको यहां पर कोलन लगाना पड़ेगा, जैसे हमने इफ में लगाया था, एंटर करो। अब फिर से लिखो प्रिंट और उसके बाद में ब्रैकेट लगा के कि अगर प्रिंट 200 से छोटा नहीं है तो फिर 200 से बड़ा है, तो फिर हम आंसर क्या लिखेंगे, यहां पर कोलन या इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर हम लिखेंगे द नंबर इज ग्रेटर देन 200, और हम इसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बंद कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से नंबर हो जाएगा। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है।
फाइल में गए, सेव किया, प्रोग्राम थ्री किया, एंटर किया। अब इसको रन करते हैं। अब उसके बाद प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन में गए तो देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं एंटर अ नंबर, जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा 20, ठीक है। अब अगर हमने लिखता है यहाँ पर लिखते हैं 199, तो देखो नंबर क्या लिखा हुआ है, द नंबर इज लेस देन 200। अब हम लिखते हैं वापस से, हम इसको यहाँ पर जाते हैं और फिर से रन करते हैं। इस बार हम 200 से बड़ा नंबर लिखते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर 230। जैसे ही एंटर 230 लिखा, एंटर किया, तो क्या लिखा हुआ है, नंबर इज ग्रेटर देन 200। इस तरह से। अब इसमें एक और प्रोग्राम होता है इसी के अंदर, एल्स इफ, एल इफ और एल्स, तो वो कैसे करते हैं, तो इसमें आगे से आगे नंबर्स हम कंडीशंस देते जाएंगे और प्रोग्राम हमारा चलता जाएगा, ठीक है, वो भी हम समझते हैं। तो हम एक न्यू फाइल देते हैं, जैसे हमें वीक डेज बताने हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे कोई भी यूजर जो है नंबर डाले और उस नंबर के हिसाब से पता चल जाए कि कौन सा डे है। जैसे अगर मान लो किसी ने 3 डाला तो ऑटोमेटिक वेनसडे लिखा हुआ आ जाएगा, किसी ने 7 डाला तो ऑटोमेटिक संडे लिखा हुआ आ जाएगा। उसको करने के लिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर, जैसे हमने लिखा ए इक्वल टू int, उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर लिखा इनपुट, इनपुट कमांड हमेशा याद रखना बच्चों, इनपुट, फिर ब्रैकेट किया, फिर उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंटर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर लिखो, फिर उसके बाद में ऑफ योर डे, ठीक है, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसको बंद कर दो, ठीक है। अब एंटर करो। अब उसके बाद में इफ ए इक्वल टू, तो इक्वल टू साइन बताना हो, अगर ए बराबर हो 1 के तो हम लिखेंगे ए को 2 इक्वल टू से बताना पड़ेगा 1 के, ठीक है। फिर आप ये कॉलन लगाओ, एंटर करो, उसके बाद में लिखो प्रिंट, और उसके बाद में लिख दिया हमने यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में मंडे, ठीक है, और यहां कॉमा लगा के बंद कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हम यहां पर लिखेंगे वापस में बैक स्पेस दबा के एल इफ, ठीक है, एल इफ लगा के ए अगर बराबर हो 2 के, ठीक है, अगर किसी ने 2 लिख दिया तो क्या आना चाहिए, तो फिर 2 अगर लिखेगा तो लिखा हुआ आएगा प्रिंट, उसके बाद में यहां पर ब्रैकेट, और फिर हम यहां पर लिखेंगे ट्यूजडे, ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया ट्यूजडे और इसको बंद कर दिया, ठीक है। चलो इसको कॉपी करते हैं यहां से, तो हम यहां से कंट्रोल सी किया, फिर हम यहां पर एंटर किया, कंट्रोल वी किया, ठीक है, इसको बैक स्पेस से पीछे लाओ। अब यहां पर आपको 3 करना पड़ेगा, फिर आपने यहां पर कर दिया वेडनेसडे, ठीक है। अब फिर एंटर करो, फिर बैक करो, फिर कंट्रोल वी करो, फिर 4 कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर आपने लिख दिया थर्सडे, ठीक है। अब फिर से एंटर करो, बैक स्पेस, कंट्रोल वी, फिर यहां पर आपने कर दिया 5, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या कर दिया, फ्राइडे। अब फिर से एंटर करो, बैक स्पेस, कंट्रोल वी, फिर उसके बाद में 6, फिर यहां पर आप क्या लिख दोगे, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे लिख दिया। अब उसके बाद में फिर से हम संडे लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर फिर से किया बैक स्पेस, कंट्रोल वी, अब ये 7 अगर आ जाता है तो यहां पर लिखेंगे संडे, संडे लिख दो। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा कोई नंबर लिख देता है, ठीक है, हमारे इन 7 नंबरों के अलावा अगर कोई नंबर लिख देता है तो फिर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, तो लिखा हुआ आना चाहिए प्रिंट, और उसके बाद में ब्रैकेट, और हम एरो में लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है, इस तरह से, और बंद कर दो। अब हम इसको सेव करते हैं, तो देखो द मैजिक बिगिंस। फाइल गए, सेव किया, और ये हमारा हो गया प्रोग्राम 4। एंटर करो, अब इसको रन करो, तो जैसे ही रन करेंगे तो देखो ये लिखा हुआ आ रहा है यहां पर, एंटर द नेम ऑफ योर डे, तो मैंने मान लो यहां पर दिया 5, तो जैसे ही 5 लिखा तो क्या लिखा हुआ आया, फ्राइडे। देखो यहां पर
ये हमारा प्रोग्राम थ्री था, ये हमारा प्रोग्राम टू है, ठीक है। देखो यहाँ पर फाइव के अंदर क्या दे रखा है, फ्राइडे, तो ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ आया, फ्राइडे आ गया। अब मैं फिर से रन करता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं सिक्स या लिखते हैं सेवन, तो क्या लिखा हुआ आएगा, संडे। अब मान लो मैं फिर से रन करता हूं, इस बार मैं इन सात नंबर के अलावा लिखता हूं नौ नंबर, तो नौ तो है ही नहीं, तो देखो क्या लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड ऑप्शन। इस तरह से आप प्रोग्राम्स बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करो, बुक में बहुत सारे प्रोग्राम्स दे रखे हैं और उनको ट्राई कीजिए। तो आपको बहुत ही अच्छे से अब समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने डेमो वर्जन भी देख लिया है। तो अब आपको, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। सारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, तो वो उनको सब पता है। और पाइथन अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो मैंने लिंक के अंदर ही पाइथन का भी लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उस लिंक को एक्सेस करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो पाइथन को। अपने कंप्यूटर पर डालो, मोबाइल पर नहीं चलेगा, कंप्यूटर में डालो और उसके बाद में प्रोग्राम करना सीख लो। सो अगर आप छोटे से आप इनिशियल स्टार्ट करने वाले हो, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो पाइथन इज राइट फॉर यू। सो कीप एंजॉइंग एंड कीप लर्निंग एंड बी अ पार्ट, थैंक्स फॉर द पार्ट ऑफ आओ पढ़ें। थैंक यू एवरीवन एंड कीप शेयरिंग, सपोर्टिंग एंड वॉच द वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।